डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ट्रांसफर ऑफ हीट ये डिस्कस किया गया था, जिसमें हमने आपको बताया क्या था, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन मींस होता है बेटा हीट ट्रांसफर का ही वे होता है। कंडक्शन एक प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, बट इसमें क्या होता है, इसमें हीट फ्लो करता है वन इनटू अदर एंड इन अ बॉडी। ठीक है, यानी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे में, यानी हॉट इनटू कोल्ड इन, यानी गर्म सिरे से लेकर ठंडे सिरे की ओर जो ऊष्मा प्रवाह होती है उसे कंडक्शन बोलते हैं। इस प्रकार के हीट फ्लो को कंडक्शन बोला जाता है, यानी कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही हीट फ्लो करता है। इसमें वन इंटू वन हॉटर इंटू अदर एन अदर कोल्डर इन, वन हीट फ्लोज इन अ बॉडी देन इट शुड बी नोन एज कंडक्शन। दिस प्रोसेस नोन एज कंडक्शन। ओके, इनसॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू यू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजली? क्या बता रहे बेटा, सारे सब्सटेंसेस हीट को कंडक्ट कर लेते हैं इजली? नहीं, सारे सब्सटेंसेस हीट को अपने में से फ्लो नहीं होने देते। आपने जाना था कि जो एयर होते हैं और वाटर होते हैं, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपको इसने आपने इससे पहले इसमें पढ़ चुका है कि जो एयर और वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, एयर के सॉरी हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, और इन पुअर कंडक्टर्स को बोला जाता है बेटा इंसुलेटर्स। यहाँ इन्होंने बताया पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर्स, यानी प्रतिरोधक भी और आवर्धक या प्रतिरोधक का काम करते हैं लोग, उष्मा को फ्लो होने से रोकते हैं। ठीक है, यानी हीट को फ्लो होने से रेजिस्ट करते हैं। और कंडक्टर क्या होता है, द मटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी वैसे मटेरियल जो अपने में से होकर हीट को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं वो कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, मीन सुचालक होते हैं उष्मा के। सुचालक, यस सर, यस सर। इसको जानने के लिए हमने क्या किया था, The water and air are poor conductors of heat. ये पहले बता रहे। Then how does the heat transfer take place in these substances? Let us find out. इसमें आपको ये activity आपको पहले ही बताया जा चुका है किस तरह से। आप ये जानते हो कि water और air जो होते हैं बेटा ये direct heat को conduct नहीं करते, तो कैसे ये फिर heat को इनमें conduction कैसे होता है या heat flow कैसे होता है, इसके बारे में जानने के लिए इन्होंने इस activity को कराया था, जिसमें आपने बेटा इसमें आपने बताया गया था टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। यहाँ इन्होंने लिया एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, इसको टू थर्ड यानी दो तिहाई हिस्सा इसका पानी से भर दिया गया था, यही ना, दो तिहाई इसका पानी से भर देते हैं और इसमें कुछ पोटेशियम पराबैंगनेट के क्रिस्टल डाल देते हैं। ये जैसा सेटअप किया गया ऐसे आपको भी सेटअप करना है, या इस बर्नर के प्लेस पे आप कैंडल फ्लेम यूज कर सकते हैं, बस इतना ही किया जा सकता है। और ट्राइपॉड आपको भी यूज करना है, आप फ्लास्क की जगह पे आपके पास कोई कंटेनर होगा या कोई बीकर है तो उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के लिए। अब बात आती है इसमें बेटा, इसमें देखिए इसमें टू थर्ड इसको वाटर से फिल्ड किया गया है, देन इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पुट किए गए थे, कुछ क्रिस्टल्स यानी कुछ टुकड़े इसमें डाले गए थे, और देन क्या किया गया था, इसको बर्नर से हीट किया गया है। इस फ्लास्क को बर्नर से हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। इसमें जैसे जैसे हम देखते हैं इस बर्नर के क्लोज जो हीट वाटर होती है, यानी इस बॉटम के सर यानी बॉटम के क्लोज जो वाटर होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे हीट होती है वो अपनी हीट क्या करती है, अपने ऊपर वाले पार्टिकल्स को, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स को ट्रांसफर करने लगती है। ऐसा करने से क्या होता है, उसके ऊपर वाले वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर सरफेस वाटर जो होते हैं उसके ऊपर वाले, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं, हीटेड होते जाते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। बेटा यहाँ पे कह रहे हैं इसके सरफेस वाटर जो भी होते हैं वो भी हीटेड होने लगते हैं, देन अगेन क्या होता है, ऐसे ये कंटिन्यू होता रहता है, यानी ये प्रोसेस चलता रहता है, और इस तरह से जो होल वाटर है वो पूरी तरह से हीट हो जाता है, यानी पूरा पानी गर्म हो जाता है। yes. इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले गए थे जो वायलेट कलर्ड कर देते हैं पूरे पानी को, किस रंग में बदल देते हैं, वायलेट कलर के, लेकिन हमने तो डाला था तो इनको केवल बॉटम में और बॉटम में ही तो रखा था इनको क्रिस्टल्स को, यहाँ पे ट्रली पे डाला गया था, लेकिन ये क्रिस्टल्स उस हीट फ्लो के कारण ये भी क्या कर जाते हैं,
पानी के सभी कणों में घुल जाते हैं, ठीक है? यस सर। वायलेट कलर्ड हो जाते हैं। और इस टाइप के हीट फ्लो को इन्होंने बताया, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कॉन्वेक्शन। इन्होंने बताया था बेटा ये जो हीट ट्रांसफर होता है इस प्रकार के, जिसमें पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, हीट फ्लो के करने के साथ साथ क्या आते हैं, उस मैटर के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए हीट तो फ्लो ही कर रहा था, साथ साथ इसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे थे, वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे थे ना, मूव करके अपनी हीट ट्रांसफर कर रहे थे टू द अदर पार्टिकल्स, यानी कोल्डर पार्टिकल्स को अपनी हीट ट्रांसफर कर रहे थे। ऐसे में क्या करते हैं, जो कॉन्वेक्शन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, हीट फ्लो के साथ साथ मैटर के पार्टिकल भी फ्लो करते हैं, जबकि कंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, कंडक्शन में जो हीट कंडक्शन प्रोसेस में ओनली हीट क्या होता है, वन इंटू अदर इनफ्लो करता है बेटा। बेटा हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, सेम एज बेटा कॉन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो हीट होता है वो भी ट्रेवल करता है इन एयर, ठीक है? कॉन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट करता है ट्रेवल इन एयर। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, आप जानते हो स्मोक कौन से डायरेक्शन में जाता है, टू द अप, यानी बेटा ये अप साइड में ट्रेवल करते हैं। जब भी आप देखते हो धुएं को आपने ऊपर उठते हुए देखा होगा, नीचे कभी ऐसा नहीं होता कि धुआं अगल बगल यानी दाएं बाएं या नीचे की तरफ फ्लो करे, ऊपर की तरफ ही फ्लो करते हैं, ठीक है? यस सर। The air near the heat source get hot and rises. The air from the sides comes to in to take its place. In this way, the air gets heated. The following activity confirm this idea. बेटा इन्होंने बताया था, the air near the heat source gets hot and rises. आप जानते हो जब heat के आसपास सभी कहीं heat, यानी heated body कहीं होती है तो उसके आसपास की जो हवा होती है वो क्या हो जाती है, हीट होती जाती है, हीटेड होती जाती है बेटा, और हीट होने पे वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है, राइज करती है। वहां से स्पेस ब्लैंक होता है, उस एयर के राइज कर जाने पे स्पेस ब्लैंक होता है, तो स्पेस को फिल करने के लिए दूसरी जो आसपास की उसके सराउंडिंग्स की एयर है उस स्पेस को फिल करने के लिए उसकी ओर ट्रेवल करती है, ठीक है? In this way, the air gets heated. और इस तरह से जो हवा उसके पास आती जाती है वो क्या होती जाती है, heated होती जाती है। मेरी वॉइस प्रॉपरली जा रही कि नहीं? Yes, sir, आ रही है। Yes, sir. करें इस एक्टिविटी को करने पे ये आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। लाइट ए कैंडल, इन्होंने क्या किया था इस एक्टिविटी को कराने के लिए बेटा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर, किस तरह से कन्वेक्शन के थ्रू हवा में हीट ट्रांसफर हो जाती है, इसको इन्होंने इस एक्टिविटी के थ्रू दिखाया था। इन्होंने क्या किया था, एक कैंडल फ्लेम लेने की बात की थी, और इस कैंडल के ऊपर अपने हैंड को, एक हैंड को यानी अपने एक हाथ को इस कैंडल फ्लेम के ऊपर रखने के लिए बोला था, और जबकि दूसरे हाथ को आप इसके साइड में रखेंगे, ठीक है? और इतना कम उचित दूरी बना के रखना बेटा कि जले ना आप, है ना? इन्होंने इस चीज से भी आपको अवेयर किया था। बेटा इन्होंने क्या किया, देखा कि जब हम इसके साइड में अपने हैंड को जो साइड में पुट किए थे तो उसमें किसी प्रकार का हीट फील नहीं होता, हॉटनेस नहीं फील होती, जबकि जो हैंड हमने इसके अपसाइड पुट किया था यानी इसके ऊपर रखा था, ठीक है, इस कैंडल फ्लेम के ऊपर रखा था, वो हॉट फील करती है, धीरे धीरे वो हॉटनेस फील करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस आसपास की जो एयर होती है, ठीक है, इसके आसपास की एयर जो होती है इस कैंडल फ्लेम के कारण क्या होती जाती है, हीट होती जाती है, और हीट होने पर एयर क्या करती है, राइज करती रहती है, ऊपर उठने लगती है, यहाँ से हवा जो होती है ऊपर जाने लगती है, ठीक है बेटा? और ये हवा हमारे हीटेड एयर जो हमारे हैंड से टच करती है, स्ट्राइक करती है हमारे हाथों से, तो ये हमें क्या करती है, उस हीट को ट्रांसफर कर देती है हमारे हाथों में, और इस तरह से हमारे जो ये हाथ है हमारा ये हीटेड होता जाता है, हीट को गेन करता रहता है, और इस तरह से ये हीटेड होता जाता है, हॉट फील करता है, ठीक है? और इस तरह से कॉन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर भी हो गया बेटा। यहाँ से यहाँ इसके बीच के लिए देखिए, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं था जो हमारे इस कैंडल फ्लेम
और हमारे हाथ के बीच में कोई मीडियम नहीं था, यानी कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं था जो हमें इस हीट को हमारे हाथों तक पहुंचा दे, तो इसके लिए इस ईयर ने केवल एक सोर्स का, एक मीडियम का वर्क किया है। ठीक है, इस ईयर ने यहाँ का हवा जो है वो एक मीडियम का वर्क किया और उसने केवल हीट ट्रांसफर कर दिया। इस जो हीटेड ईयर थी उसने अपनी हीट को क्या किया, हमारे हाथों पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो हैंड होता है टू द अबव ऑफ द फ्लेम वो क्या फील्स करता है, हॉट फील करता है। ठीक है, सेम है। जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट और भी बताया था, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। बेटा इन्होंने बताया था जो तटीय क्षेत्रों के किनारे रहने वाले लोग होते हैं उनके साथ एक रुचिकर घटना होती है। क्या, दिन के समय जो भूमि होती है वो ज्यादा गर्म होती है पानी से, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड ड्राई आल्सो। तो इस कारण जो वहाँ की ऊपर की हवा होती है, भूमि के ऊपर की हवा ज्यादा गर्म होती है, तो वहाँ के आसपास की जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। करें ठंडी हवाएं, समुद्र से चलने वाली ठंडी हवाएं इस भूमि की ओर बढ़ती हैं टू कवर दैट स्पेस, यानी जो वहां से गर्म हवाएं निकली हैं उस स्पेस को कवर करने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं चलती हैं। और इस तरह से द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। बेटा करें, और गर्म हवाएं क्या होती हैं, फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो गर्म हवाएं होती वो सी की तरफ ट्रेवल करती है, यानी समुद्र की तरफ ट्रेवल करती है, और इस तरह से साइकिल कंप्लीट हो जाता है ये चक्र। यानी यहाँ से ठंडी हवाएं आई तो यहाँ से गर्म हवाएं चली जाती हैं, इस तरह से साइकिल कंप्लीट होता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। बेटा ये जो समुद्र से चलने वाली हवाएं होती है ठंडी हवाएं, इनको सी ब्रीज बोला जाता है ना। और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है, बताया है टू करेंट टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू द फेस द सी। यानी इस ठंडी हवाओं को दिन में प्राप्त करने के लिए जो तटीय क्षेत्रों के किनारों के घर होते हैं उनकी खिड़कियां इस तरह खुली होती हैं कि समुद्र के सामने ही हों, यानी वहां से चलने वाली हवाएं वो डायरेक्ट खिड़कियों के थ्रू यानी विंडो के थ्रू इंटर करें ठंडी हवाएं। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, रात में जस्ट इसका उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड सो द कूलर कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। बेटा इन्होंने एक चीज बताया, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो पानी होता है रात में जल्दी ठंडा हो जाता है भूमि की अपेक्षा। ठीक है, तो वहां से करें सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। बेटा यहाँ करें, पानी जो होता है वो भूमि की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है, यही कारण है कि जो ठंडी हवाएं होती है लैंड से यानी भूमि से चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं वो समुद्र की तरफ फ्लो करने लगती हैं। ठीक है, समुद्र की तरफ मतलब उसकी तरफ ट्रेवल करती हैं, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। और इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज, यानी ये भूमि से चलने वाली ठंडी हवाएं होती है तो इनको लैंड ब्रीज बोला जाता है। ओके, यस सर। Now when we come out in the sun we feel warm. अब एक दूसरी बात इन्होंने बताया, when we come out in the sun, इस सब पॉइंट पहले ही डिस्कस किया जा चुके थे आपसे, है ना? लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। When we come out in the sun we feel warm. How does the heat from the sun reach us? बेटा सेम है, कॉन्वेक्शन प्रोसेस ही होता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होने लगती है। ऐसा कैसे होता है, कैसे उस सूर्य की गर्मी डायरेक्ट हमारे तक पहुंच जाती है, यानी वहां से हीट हमारे तक ट्रांसफर कैसे हो जाता है, इसके लिए सेम कन्वेक्शन प्रोसेस ही होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, इट कैन नॉट रीच अस बाय कन्वेक्शन, सॉरी बेटा हाँ कन्वेक्शन ही होता है, इसमें रेडिएशन प्रोसेस होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी आगे आएगा।
When we come out in the sun, we reveal warmth. How does the heat from the sun reach us? बिकॉज ये कॉन्वेक्शन हो सकता था बट क्यों नहीं होता मैं बता दूं आपको, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में ऐसे बहुत सारे स्पेस होते हैं वेयर इज नो एयर नो एनीथिंग मीडियम, यानी कोई मीडियम नहीं होता वहां पे, ना हवा भी नहीं होती, ऐसे बहुत सारे स्पेस हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ठीक है, जहाँ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे ना तो हवा है ना कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है वहां पे, हवा भी नहीं है, ऐसे स्पेस है सूर्य और पृथ्वी के, यानी किसी प्रकार का मीडियम ही नहीं है, तो कॉन्वेक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता। कॉन्वेक्शन होने के लिए कम से कम हवा की उपस्थिति होना अनिवार्य है, ठीक है, हवा होगी तभी हीट ट्रांसफर हो पाएगा कॉन्वेक्शन के थ्रू। लेकिन कह रहे तब हमारे तक ये वार्मनेस, यानी गर्मी कहाँ तक पहुंच जाती है, कैसे पहुंच जाती है हमारे तक, सूर्य की जो गर्मी है इसको जानने के लिए कह रहे हैं, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। वही बात बता रहे बेटा कि हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसे बहुत सारा स्पेस है, स्थान है जहाँ पे किसी प्रकार का माध्यम नहीं होता, माध्यम होने का मतलब ना वहाँ पे मतलब कोई भी नहीं होता, धूलकण होते हैं ना हवा, यहाँ तक की हवा भी नहीं होती है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे इन्होंने दिखाया किस तरह से डे टाइम में समुद्र से चलने वाली ठंडी हवाएं, ठीक है, इन खिड़कियों के तरह घरों में इंटर करती हैं, जिसे दिन में इनको राहत मिलती है, और रात में फिर ये ठंडी हवाएं क्या चलती हैं, समुद्र की तरफ चलती हैं, और इस तरह से साइकिल कंप्लीशन होता है, ठंडी हवाएं भूमि की ओर चलती हैं और यहाँ से गर्म हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं, ऐसे यहाँ से फिर उल्टा हो जाता है प्रोसेस, ये गर्म हवाएं समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं और यहाँ से ठंडी हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं, जिससे रात में यहाँ गर्मी फील होती है भूमि पे, ठीक है, यहाँ के तटीय क्षेत्रों के किनारे रहने वाले लोगों को रात में दिक्कत नहीं होती, ठंड का एहसास नहीं होता उतना, है ना, क्योंकि यहाँ से गर्म हवाएं चलती हैं और दिन में इनको ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है, तो दोनों तरीके से इनके लिए सुटेबल होता है। Yes, sir. बट में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे थे जिस पॉइंट को, कह रहे हैं किस तरह से सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य की गर्मी जो है वो हमारे शरीर तक या हमें कैसे गर्म कर देती है, इसको जानने के लिए कह रहे हैं ये हमारे तक ना कन्वेक्शन ना कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हमारे तक पहुंचती है, किसी दूसरे माध्यम के थ्रू पहुंचती है, उसको जानना है हमें। कह रहे हैं फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। बेटा इन्होंने बताया सूर्य से जो गर्मी यानी उष्मा जो होती है वो हम तक दूसरे प्रक्रियाओं की तरह या दूसरे प्रक्रम के थ्रू पहुंचती है, जिसे रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन मीन्स विकिरण, क्या होता है विकिरण। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। यस बेटा, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी हीट का ट्रांसफर होने के लिए ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन यानी रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम मतलब होता है माध्यम। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, ये कहीं भी ट्रेवल कर सकती है, रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो सकता है, चाहे माध्यम हो चाहे ना हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Because when we sit in front of a room heater, we get heated by this process. बेटा कह रहे हैं जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम हीटेड होते जाते हैं, हमारी बॉडी हीट हो जाती है। We get heat by this process. देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम रूम हीटर के ऊपर बैठते तो हो सकता था कॉन्वेक्शन। बात समझनी चाहिए आप लोगों को कि ये कॉन्वेक्शन भी तो हो सकता था सर, लेकिन रूम हीटर के ऊपर बैठते चढ़ के, नीचे रूम हीटर लगे ऊपर आप टंग जाइए किसी तरह से, हैं, मतलब हैंगर लगा के या किसी तरह से नीचे रूम हीटर रख लीजिए,
क्यों आदर्श सोच रहे हो क्या करने के लिए हा? बेटा वो कॉन्वेक्शन होता है जब आपको हीट करता नीचे से, क्योंकि जो आप जानते हो जब हीट के आसपास यानी जब कोई बॉडी हीट होती है तो उसके आसपास की जो एयर होती है वो क्या होती है, गर्म होने पर राइज करती है टू द अप, यानी गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर उठती है तो वो ऊपर की तरफ की हीट ट्रांसफर करती है, जो गर्म हवाएं होती है ऊपर की तरफ जो बॉडी आएगी उसके टच में उन्हीं को हीट ट्रांसफर करेंगे, साइड वालों को कोई ऐसा हीट ट्रांसफर नहीं होता कॉन्वेक्शन। बट यहाँ पे कॉन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, कैसे हम हीटर के सामने बैठते हैं तो जो हीट होता है वो हम तक ट्रांसफर यानी हमें वार्म कर देता है, गर्म कर देता है, हमारे रूम को ही पूरी तरह से गर्म कर देता है हीटर, है ना। ये होता है रेडिएशन बेटा, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है, रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता, डायरेक्ट जो रेज होती है बीम ऑफ लाइट्स किरणें, सॉरी बीम ऑफ रेज, यस बेटा बीम ऑफ लाइट मीन्स किरण पुंजे होती हैं, जो यानी हीट हीटेड बॉडी से एक प्रकार का लाइट भी तो जनरेट होता है, आपने देखा होगा जितनी भी हीटेड बॉडी होती हैं उनसे क्या होती है लाइट जनरेट होता है, ठीक है, उस लाइट से लाइट यानी लाइट रेज के थ्रू क्या होती है डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो जाती है विदाउट एनी मीडियम, यानी बिना किसी मीडियम के वो डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। चलिए और देखते हैं इसके बारे में, when we sit in front of a room heater we get heat by this process, a hot utensils kept away from the flame cools down as it transfer field to the surrounding by radiation। बेटा इन्होंने कहा एक हॉट यूटेंसिल्स होता है, नहीं कोई गर्म बर्तन हो कोई भी, अगर उसको आग से हटाकर थोड़ी देर नीचे रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी हीट को क्या कर देता है रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू सराउंडिंग्स में ट्रांसफर कर देता है, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है अपने आसपास के वातावरण में अपनी हीट को ट्रांसफर करता रहता है, बिकॉज आपने जाना है कि जो हीट फ्लो का रूल होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में हीट फ्लो करती है या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ठीक है। यस सर, इन्होंने बताया बेटा, यस गुड बेटा, काव्यांशु अभिषेक पांडे अनुराग उपाध्याय आप लोग अपने वीडियोस क्यों आप कर रखे हैं, मैं आप लोगों को भी देख सकता हूँ ऐसी बात नहीं है। चलिए बेटा इसमें इन्होंने एक पॉइंट और भी डिस्कस किया है, यस बेटा, when we sit in front of a room heater we get heat by this process, a hot utensils kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation, our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation, yes beta, keh rahe hamare sharir bhi aise hi radiation process ke through heat get karta hai, yani heats ko receive karta hai aur heat ko pass out bhi karta hai radiation process ke through hi, theek hai, जिससे हमारी बॉडी हॉट और कूल फील करती है, आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, ठीक है बेटा, ठंडियों में हम क्या करते हैं अपनी बॉडी से हीट को ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्या होती है ठंड फील होती है ना, और गर्मियों में क्या होती है सराउंडिंग के थ्रू हम हीट को रिसीव करते हैं, है ना, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है तब गर्म फील करती है हॉट फील करती है, और ये सब प्रोसेस डायरेक्ट रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है, ठीक है, रेडिएशन में किसी प्रकार के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट रेडिएशन मीन्स होता है विकिरण, विकिरण मीन्स किरणों के द्वारा यानी उष्मीय किरणों के द्वारा यानी गर्म किरणों के द्वारा डायरेक्ट हीट हमारे में पहुंच जाती है और हमसे सराउंडिंग्स में ट्रांसफर होती है, ऐसे सारे बॉडीज में लगभग होता है, ठीक है, ऑल हॉट बॉडीज, देखिए इन्होंने बताया All hot bodies radiate heat. बेटा जितनी भी गर्म वस्तुएं होती हैं सभी हीट को रेडिएट करते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं, उष्मा को उत्सर्जित बाहर विकिरणों के द्वारा निकालते हैं,
when this heat falls on the same object, sorry, some object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. एक चीज पता है उन्होंने, जबकि इसे ये जो बॉडी हॉट बॉडी रेडिएट करती है हीट को, यानी इनसे जो उसमें ये कीड़े निकलती हैं, जब किसी बॉडी पे पड़ते हैं किसी दूसरी बॉडी पे, तो उसका कुछ पार्ट, उस किरणों का कुछ पार्ट इस बॉडी द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट उसमें से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उस किरणों का कुछ भाग क्या होता है, ये अब्जॉर्ब कर लेती है, एंड द टेम्परेचर ऑफ सॉरी एंड आ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड, और कुछ क्या होती हैं, ट्रांसमिट कर दी जाती हैं, ट्रांसमिट होने का मतलब स्थानांतरित कर जाती हैं, व्हाटएवर, यानी उसी बॉडी में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है? यस सर, यस सर। इन्होंने बताया बेटा, द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द अब्सॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है यदि वो क्या करता है, हीट को अब्सॉर्ब करता है, हीट को अब्सॉर्ब करने का मतलब उष्मा को अवशोषित करता है, तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी अमाउंट ऑफ हीट उसमें अधिक हो जाएगी, हीट उष्मा की मात्रा, तो उसका हीट सॉरी टेम्परेचर बढ़ना है, वो तो जाहिर सी बात है, जिसमें अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। Can are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? Why? Why are you advised to use an umbrella एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन गो आउट इन द सन, आपको ऐसी क्यों सलाह दी जाती है जब आप धूप में निकलते हो बाहर, तो आपको छाता लेकर चलने के लिए क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट आपको क्या होता है, डायरेक्ट लाइट रेज होती है, यानी सन रेज होती है, सूर्य की किरणें होती है, वो रेडिएट करती है डायरेक्ट आपकी बॉडी को, हीट करती रहती है, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं, है ना, आपकी बॉडी टेम्परेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए कभी भी धूप में निकलने से पहले आपके गार्जियंस आपको सलाह देते हैं कि आप छाता ले लीजिए, ठीक है? और एक चीज और, कि आपने ये भी तो सोचा होगा कि किस क्यों ऐसे ब्लैक कलर, ज्यादातर कलर डार्क कलर्ड के आपने अम्ब्रेला देखे होंगे, आप तो डिफरेंट कलर से आने लगे, बट ज्यादातर ब्लैक कलर का उसका जो अबव सरफेस होता है, ऊपरी सतह होती है, ठीक है, वो ब्लैक कलर्ड होती है, ऐसा क्यों होता है बताइए? सॉरी ब्लैक कलर नहीं, अबव सरफेस ब्लैक कलर नहीं होती है, ऊपर ऊपर की वाली जो सतह होती है वो क्या होती है, सिल्वर कलर्ड होती है, और अंदर की ब्लैक कलर्ड होती है ना, क्यों मुस्कान? अब से एक वॉइस मेरी क्लियर नहीं जा रही है? नो सर। बेटा मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही भी? सर अब क्लियर आ रही है। मैंने ये पूछा, चलिए ठीक है, अभी अब बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव ओनली 4 मिनट्स, ठीक है? Kinds of clothes we wear in summer and winter. देखिए अलग अलग टाइप्स के कपड़े हम ठंडियों और गर्मियों में पहनते हैं, इसके भी पीछे रीजन होता है, साइंटिफिक टर्म्स होते हैं कुछ, उसको जानते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes, in winter we usually wear dark colored clothes. आप जानते हो कि ठंडियों में हम क्या करते हैं, सॉरी गर्मियों में हल्के रंग के और हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि ठंडियों में क्या होता है, हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। Why is it so? Let us find out. ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। कह रहे हैं एक्टिविटी 4.10 that take two identical tin cans, paint the outer surface of one black, of the other white. बेटा दो एक जैसे टिन कैन लेना, टिन कैन मतलब समझ रहे हो ना, कैन वाला जो आता है आपका कोल्ड ड्रिंक आता है, या कोई भी कैन में बहुत सारे ऑयल ऑयल आते हैं,
उसी टाइप के आप तो एक जैसे टिन कैन ले लीजिए और एक को क्या करना है आपको उसके सरफेस को ब्लैक कलर से आउटर सरफेस को ब्लैक कलर से कलर कर दीजिएगा और दूसरे के व्हाइट कलर को सॉरी व्हाइट कलर से कलर्ड कर देंगे उसको ठीक है। दूसरे कंटेनर को व्हाइट कलर से कलर्ड कर देते हैं उसको पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। दोनों में बराबर बराबर पानी भर दीजिए पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में बराबर बराबर पानी भर के उनको धूप में लगभग एक घंटे के लिए रख दीजिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ द केन्स आप दोनों केन्स के टेम्परेचर को मेजर करिए क्या होगा डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर क्या आप कोई टेम्परेचर में डिफरेंस फाइंड करते हैं। हाँ आएगा बेटा ऐसा इसलिए होता है इन बेटा कह रहे हैं इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर नो 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 कहाँ चले गए इन व्हिच कैन इज द वाटर वार्मर बेटा कह रहे हैं कौन से कैन में जो वाटर आपने रखा था वो वार्मर है ज्यादा गर्म होती है बेटा ये जो ये है ब्लैक कलर से जिसके आउटर सरफेस को आपने कलर किया था इसका जो कैन इस कैन में रखा गया वाटर है ये ज्यादा गर्म होगा जबकि जो सिल्वर कलर्ड है यानी व्हाइट कलर से जिसको आपने कलर किया ये ठंडी होगी। ऐसा क्यों होगा क्योंकि आप जानते हो जितनी ब्लैक बॉडी होती है ब्लैक या रफ बॉडी होती है ठीक है खुरदरी अथवा गहरे रंग की जो सतह होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं क्या करती हैं हीट को एब्जॉर्ब करती हैं जबकि जो लाइट और स्मूथ सरफेस होते हैं यानी कि हल्के रंग के और चिकने सतह होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं सेम एज लाइट जैसे लाइट होता है ना उसी तरह ये हीट रेडिएशन भी होते हैं ठीक है। ये ठंडी होगी बिकॉज ये अपने में से इंटर करने नहीं देगी ज्यादातर जो अमाउंट रेडिएशन ऑफ हीट होंगे उनको ट्रांसफर करेगी सॉरी रिफ्लेक्ट करेगी जबकि ये अब्जॉर्ब करती रहेगी अब्जॉर्ब करने के बाद ये बॉडी हीट होती जाएगी ये सरफेस इसका हीट होता जाएगा और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा ठीक है और ये उतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये डायरेक्ट जितना वाटर जो गेन कर रही उतना ही है और ये थोड़ा बहुत गेन करेगा बस ठीक है। नेक्स्ट आपसे डिस्कस किया जाएगा बेटा अभी इसमें मुझे लग रहा थोड़ा सा और पॉइंट रह गया है ठीक है नेक्स्ट इसको हम डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइजेस भी आपका नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा ओके आप लोग इसको रीड कर लेना एक ही पॉइंट यही वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर ये आपका रीड करना है थोड़ा सा रह गया है नेक्स्ट करेंगे बिकॉज़ टाइम रह नहीं गया अभी ठीक है। यस सर एवरीवन बाय इसको रिवाइज कर लेना बेटा ओके यस सर ओके बाय बेटा यस सर ठीक है आप लोग एक बार ट्राई कर लेना एक्सरसाइज को भी बेटा जो आपसे हो जाएंगे वो बेटर है बाकी नेक्स्ट डे तो हम क्लियर ही कर लेंगे सर ठीक है। यस सर मैं मान ले चला मेरे नहीं चला मैं लगा डाटा का खत्म हो गया क्लास में नेक्स्ट में लेफ्ट हैंड में चल रहा है